मैंने ऊबर चलाना शुरू किया था साल 2021 में। वैसे तो मैं दिन में राइड्स लेता था, पर कभी कभी सैटरडे संडे को अच्छी राइड्स मिलती थी तो मैं रात को निकल जाता था गाड़ी लेके। पैसे भी अच्छे मिलते थे। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि फिर मैंने रात को ऊबर चलाना छोड़ दिया। उस रात मैं बहुत बुरी तरह से डर गया था। पहली बार मेरे दिमाग ने मुझसे भीख मांगी कि तू चल यहाँ से। मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ, यहीं की मेरी पैदाइश है। मुझे याद है वो महीने का दूसरा शनिवार था। दिन में थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ राइड के लिए। रात के 10 बजे मेरी गाड़ी खड़ी थी एक मॉल के सामने, और ये मॉल जहाँ बना हुआ है वहाँ दूर दूर तक कोई और बिल्डिंग नहीं थी। मॉल के साथ से ही हाईवे निकल रहा था और बाहर कुछ टैक्सी वाले ऑटो वाले खड़े थे। मैंने भी अपनी गाड़ी एक जगह खड़ी की और सीट को थोड़ा एडजस्ट करके लेट गया। 10-15 मिनट बाद मुझे मेरे मोबाइल की वाइब्रेशन फील हुई। मेरी आँख खुली और मैंने देखा तो एक राइड की नोटिफिकेशन आई हुई थी। मैं उठा और सीट को दोबारा से एडजस्ट करके मोबाइल को स्टैंड में लगा के लोकेशन की तरफ निकल पड़ा। जब मैं लोकेशन की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि मैं अभी खड़ा तो मॉल के पास था, पर ये राइड मॉल से 2.5 किलोमीटर दूर की थी। पर खैर, मैं चलता रहा लोकेशन की तरफ। मॉल की चकाचौंध पीछे रह गई और जिस रास्ते पर मैं जा रहा था वहाँ लाइट्स तक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जंगल से होके जा रहा हूँ। मेरे दोनों तरफ पेड़ और झाड़ियाँ। मुझे इस बात का इतना डर नहीं था, पर मैं हैरान था। मॉल से दूर ये राइड, और वो राइड भी एक लड़की की थी, और ऐसे वीराने में कोई लड़की मुझे क्यों बुला रही होगी, ये बात मैं समझ नहीं पा रहा था। दिमाग में कई तरह के सवाल आ रहे थे। खैर, थोड़ी देर में लोकेशन पर पहुंचा। मैंने सोचा कि कॉल किया जाए उस लड़की को, कहीं उसने लोकेशन गलत तो नहीं डाल दी। कई बार लोकेशन इधर उधर हो जाती है और फिर उसमें कस्टमर और राइडर दोनों का टाइम खराब होता है, कई बार तो बहस भी हो जाती है। खैर, मैंने उस लड़की को कॉल किया। उसके फ़ोन उठाते ही मैंने कहा, जी मैं ऊबर ड्राइवर लोकेशन पर खड़ा हूँ। वो लड़की कहती, मैं आपको देख सकती हूँ, आप थोड़ा आगे आ जाएं। मैं थोड़ा और आगे जाने लगा तो मुझे अजीब सा लगने लगा कि एक लड़की रात के वक्त ऐसे वीराने में क्या कर रही होगी। मुझे तो आसपास पेड़ों और झाड़ियों के सिवा कुछ नज़र भी नहीं आया, बस कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मैं आगे जाता रहा और फिर गाड़ी की हेडलाइट में दूर एक लड़की ट्रॉली बैग लेके खड़ी दिखाई दी। जहां वो खड़ी थी वहां से एक रास्ता कट रहा था जो पीछे रिहायशी इलाके की तरफ जा रहा था। मुझे लगा शायद वहीं से आई होगी, वो खड़ी मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैं उसके करीब जाके गाड़ी रोकता हूँ और वो लड़की बिना कुछ कहे चुपचाप गाड़ी में आके बैठ जाती है। मैं गाड़ी से उतरकर उसकी ट्रॉली बैग को गाड़ी के डिक्की में रखता हूँ, वापस आके गाड़ी में बैठता हूँ और गाड़ी की लोकेशन की तरफ चलना शुरू कर देता हूँ। मैं देख रहा था इस रास्ते पर अभी कोई और गाड़ी मुझे नज़र नहीं आई। वो राइड ऑनलाइन पेड थी और जितनी देर अभी मुझे हुई थी हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, वो एकदम खामोश बैठी हुई थी। बीच में मेरी नज़र सामने मिरर में जाती है, 2-3 बार मैंने देखा तो वो मुझे ही देख रही थी बिना पलके झपकाए। मैंने सोचा उससे पूछूं कि आप इतनी रात को ऐसे वीराने में क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, मगर उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि मैं नहीं कर पाया उससे कोई भी बात। मैं जब भी उसकी आँखों को देखता तो वो मुझे ही घूर रही होती, और ये वक्त ऐसा था जब मैं पहली बार किसी रात की राइड में डर चुका था। मेरे मन में सवाल आ रहे थे कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है। तब उस वक्त मुझे कुछ हॉरर मूवीज़ वाले सीन याद आने लगे। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। मैं बस चाह रहा था कि जल्दी से इनकी राइड ख़त्म हो, इन्हें लोकेशन पर छोड़कर मैं भी निकलूं। मैप लोकेशन को फॉलो करता हुआ मेरा ध्यान उस रास्ते पर गया
वो रास्ता मानो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आगे चलते चलते वो रास्ता और सकरा हो गया। बस हमारी ही गाड़ी निकल सकती थी, इतना पतला रास्ता था वो। गाड़ी के हेडलाइट में मैं देख पा रहा था बाहर कितनी धूल मिट्टी उड़ी हुई है। मेरे मन में अब ये आने लगा कि इसकी लोकेशन तो अभी थोड़ी दूर और की है, पर इसे छोड़ के मुझे वापस भी इसी रास्ते से आना है, वो भी अकेले। मैं कैसे आ पाऊँगा? खैर, इन सब सवालों के बीच मैं लोकेशन के ड्रॉप पॉइंट पर पहुंचा। एक बड़ा सा गेट था और उसके अंदर जाके एक पुराना सा घर। उस घर के बाहर एक छोटा सा बल्ब जला हुआ था। वो बड़ा सा गेट खुला हुआ था, मैंने अपनी गाड़ी अंदर निकाल ली। घर के सामने थोड़ी दूरी पर मैंने गाड़ी रोकी। मैं गाड़ी से उतरा और उस लड़की का ट्रॉली बैग निकाला। फिर वो लड़की जहाँ बैठी थी उस साइड का दरवाज़ा खोला। वो लड़की चुपचाप गाड़ी से बाहर निकली और वो मुझे देखते हुए अपनी ट्रॉली बैग के साथ घर की तरफ जाने लगी। मैं इतना घबरा चुका था कि उसके जाते ही मैंने अपनी गाड़ी जल्दी से घुमाई और वापसी के लिए निकल पड़ा। जब मैं जा रहा था तो पीछे गाड़ी में कुछ आवाज़ सी आने लगी, जैसे कोई सामान हिल रहा है। पिछली सीट पर देखा तो उस लड़की का हैंडबैग पड़ा हुआ था, जिसे शायद वो गाड़ी में ही भूल गई थी। मैंने गाड़ी रोड के साइड में रोकी और सोच में पड़ गया कि ये बैग वापस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक तो मैं पहले ही डर चुका था और फिर मन में ये सवाल आने लगे कि कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाऊँ। दोनों तरह से, इस बैग को अपने पास रखे रहने की वजह से भी और वहाँ दे के आने में जो खतरा है वो अलग। तब मैंने सोचा कि उस लड़की ने मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया। अभी हम इतने घने जंगल वाले रास्ते से आए थे, होने को कुछ भी हो सकता था। फिर मैंने एक लंबी सी सांस भरी, वापस से गाड़ी को घुमाया और उस घर के पास आके गाड़ी रोक दी। मैं गाड़ी से बाहर निकला, वो हैंडबैग निकाला और घर के दरवाजे पे जाके नॉक किया। दो तीन बार दरवाजा नॉक करने पर कोई जवाब नहीं आता और मुझे उम्मीद थी कि अभी जो लड़की घर के अंदर गई थी उसका कोई रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन काफ़ी देर बाद भी नॉक करने पर कोई नहीं आया। तब मैं हल्का सा जोर देता हूँ दरवाजे पर तो वो दरवाज़ा खुल जाता है। मैं यहाँ से आवाज़ देता हूँ, कोई है? देखिए, आपका हैंडबैग मेरे पास रह गया था, आके देख लीजिए, सामान तो सारा है ना इसमें। पर किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। मैं घर के अंदर जाता हूँ और मेरी नज़र पड़ती है घर में पड़े सामान पे। टूटे हुए से कुर्सी टेबल, एक पुराना सा टीवी जिसके साथ में एक पुराने ज़माने का रेडियो भी रखा है और एक छोटा सा बल्ब जिसकी रोशनी में मैं ये सब देख पा रहा था। वहाँ का माहौल बड़ा क्रीपी सा था। अब मुझे लगता है कि यार, बैग तो मैंने रख दिया है और यहाँ से निकलना चाहिए, घर में कोई आएगा तो देख लेगा। मैं वापस से बाहर आता हूँ, कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था तो मुझे बच्चों के खेलने की आवाज़ भी आती है। मैं आसपास देखता हूँ कि शायद कोई नज़र आ जाए, पर वो आवाज़ें कहाँ से आ रही थी ये कहना मुश्किल था। मैं जल्दी से आके गाड़ी में बैठता हूँ और मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से और क्यों आता है कि एक बार इस घर की फ़ोटो खींची जाए। अपने साथ वाले राइडर्स को दिखाऊंगा कि देखो, जंगल के बीच में एक सुनसान सा घर है जहाँ मैंने एक औरत को ड्रॉप किया था। जब मैं फ़ोटो खींचता हूँ तो गाड़ी पे आके एक बॉल गिरती है। वो प्लास्टिक बॉल थी जो गाड़ी पर धम से गिरी। मैं देखता हूँ, अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, फिर ये बॉल कहाँ से आई? मैं वापस गाड़ी से बाहर निकलता हूँ ये देखने के लिए कि कौन है। तो दो छोटे छोटे बच्चे बॉल लेके भागते हुए घर के अंदर जा रहे थे और उनकी एक बॉल मेरी गाड़ी के पास में पड़ी थी। मैंने सोचा कि बॉल देखे और उन्हें बता के आ जाऊंगा कि बैग गाड़ी में रह गया था, ये रखने आया था, अब मैं जा रहा हूँ। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं अंदर गया
मैंने आवाज दी, कोई है? आपकी बॉल बाहर गाड़ी के पास में आके गिर गई थी। तभी अंदर के कमरे से मुझे बच्चों की आवाज आई। मैंने कमरे का दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं कमरे में जाने लगा तो वहां क्या देखता हूँ, सामने टेबल पर कैरम बोर्ड रखा हुआ है और कोई खेल रहा है। उसके साथ वहाँ हवा में एक गुड़िया के कपड़े, जैसे कोई सिलाई से उन्हें बना रहा है, पर वहाँ कोई था नहीं। ये देखते ही वापस बाहर जाने के लिए जैसे ही पलटता हूँ तो दरवाजे के पीछे टंगे शीशे में क्या देखता हूँ, मेरे पीछे दो बच्चे कैरम खेल रहे हैं और वही औरत जिसे मैंने घर पर छोड़ा था अभी, वो सिलाई से गुड़िया के कपड़े बना रही है और इन तीनों की नज़र मुझ पे। मैंने वो बॉल वहीं छोड़ी और घर में पड़े सामान से टकराता हुआ बाहर आया। जल्दी से घर की फ़ोटो खींची और गाड़ी में बैठ के निकल गया। फ़ोटो इसलिए खींची थी ताकि लोगों को दिखा सकूं कि इस घर में कोई मत जाना, यहाँ कुछ गड़बड़ है। मैं तेज़ी से गाड़ी को भगाता हुआ निकल रहा हूँ। मेरे दिमाग में वही सब आए जा रहा है जो अभी मैंने देखा था। मैंने गाड़ी का एसी फुल किया हुआ था, मुझे पसीने आ रहे थे। उस मॉल वाले रास्ते पर आके मैंने अपनी गाड़ी रोकी, पानी पिया और ख़ुद को थोड़ा रिलैक्स करते हुए भगवान का नाम लिया। घड़ी में देखा तो रात के 1 बजने को थे। मुझे याद है 10:30 बजे तो मैं उसे घर छोड़ने गया था, तो इतना टाइम कैसे लग गया? मैंने मोबाइल निकाला और जो फ़ोटो खींची थी उसे देखने लगा और तब मेरी सांसें रुक सी गई। वो जो फ़ोटो खींची थी उसमें घर की बालकोनी में खड़े होके एक औरत और दो बच्चे मेरी गाड़ी की तरफ हाथ हिला रहे थे और जब मैं फ़ोटो खींच रहा था तब वहाँ कोई नहीं था। ये रात तो मैंने जैसे तैसे गुजार ली थी, पर अगले दिन अपने साथ दो राइडर को लेके मैं उस जगह पर पहुँचा। ये देखने के उस वीराने में वो पुराना सा घर किसका है, वहाँ कौन रहता है, कौन होगा। दोपहर का वक्त था और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई घर नहीं था, वो एक कब्रिस्तान था और वो जगह मेरे दिमाग के साथ अब खेल रही थी। तब मैंने अपने फ़ोन की गैलरी खोली फ़ोटो दिखाने के लिए, तो अब उस गैलरी में भी कल रात खींची हुई फ़ोटो में घर की जगह कब्रिस्तान था। जब मैंने उन राइडर्स को बताया तो मेरी बात कोई नहीं मानता और ना मैं उन्हें समझा पाया कि मेरे साथ कल रात हुआ क्या था। पर इसके बाद मैंने रात को ऊबर चलाना छोड़ दिया। आज से 2 साल पहले की वो रात मेरे दिमाग में आज भी ताज़ा है और उस लड़की की वो डरावनी आंखें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा।